यहाँ पर विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलन के रूप में, जिसके तहत हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो 3 नए काले कानून हैं वो रद्द किए जाए, और उसके बावजूद ये नगर निगम के लुटेरे, कामचोर, हराम की तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी यहाँ से लूट करके ले गए हैं, जिसके ऊपर की लूट का केस दर्ज होगा। ये हमसे रिश्वत मांगते हैं कि हम नहीं हटाएंगे, और ये जो दूसरों जो जिनसे इनकी सेटिंग है उनके ये बैनर नहीं हटा रहे और हमारे बैनर हटा रहे, क्योंकि ये भाजपा की गुलामी करते हैं लेकिन तनख्वाह आप हम जैसे लोगों से पाते हैं। ये रिश्वत खो रहे हम कामचोर कर्मचारी हैं। अभी जब चुनाव होगा उसके बाद में हम ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर देंगे, क्योंकि जनता इनके नीचता से त्रस्त हो चुकी है। हम शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन ये भाजपा के गुलाम है और ये जनता के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये खुद मास्क नहीं लगाते और ये दूसरों का चालान बना रहे हैं। हमारा रोज सामान लूट के ले जाते हैं। आटा भाई की भी स्थिति बनी थी यहाँ पर, वो मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं हमारे साथ में। आपका क्या है यहाँ पर आंदोलन? देखिए, किसानों के समर्थन में पूरे देश में करीब 100 दिनों से ज्यादा कृषि कानूनों के रद्द होने के लिए हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं एवं करते रहेंगे। अगर मुझे यहाँ से प्रशासन ने हटाया तो मैं जयेश बारचे आमरण अनशन करूँगा, उस वक्त तक जब तक कि ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते। आपका नाम है? जयेश बारचे। क्या है आप मतलब संगठन में क्या? देखिए, वैसे तो मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भी मेरा योगदान रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये किसानों से जुड़ा मामला है इसलिए हमने इसमें कोई हमारी पार्टी का नाम नहीं जोड़ा है। सिर्फ मुद्दा यह है कि किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून बनाए गए हैं उनका शोषण करने हेतु उन्हें निरस्त किया जाए, बस यही है। लेकिन ये जो भ्रष्ट नगर निगम के कामचोर कर्मचारी हैं, वो आप देखेंगे, वो शिवराज सिंह चौहान का अवैध होर्डिंग लगा है, मेरे पास में इंदौर कलेक्टर के विरुद्ध सबूत है, इंदौर DIG के विरुद्ध सबूत है, शंकर लालवानी सांसद के विरुद्ध सबूत है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध सबूत है। ये स्वयं कानून तोड़ रहे हैं, ये स्वयं जो जिस बात की तनख्वाह पाते हैं उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारे साथ में दुर्व्यवहार, लूट एवं मारपीट कर रहे हैं, तो ये जो है इसको सहन नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए तमाम संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे एवं इन नगर निगम के ऐसे कर्मचारियों को कार्य मुक्त करेंगे।